छोटा सा प्याज का जो पीस है वो मेरे मुंह में आया। मतलब मैं सोच रही थी कितनी अनयूजबल चीज़ है, प्याज है इसमें, धनिया है, मतलब बहुत अच्छी बनी है। तो ज़रूर से इसको ट्राई करके रखिएगा, जब भी कुछ चाट बना रहे हैं तो इसको ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। फर्स्ट इंडिया प्लस द वर्तिका शो में वर्तिका आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। सत्यभामा जी के साथ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और कुछ बातें जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी एक बहुत ही ऑथेंटिक चटनी है, कच्ची इमली की चटनी। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं है, सुना भी नहीं होगा। और ये जो चटनी है एक महीने तक रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। इस चटनी को बनाना बहुत आसान होता है और सही बात बताऊं तो खाने में इतनी अच्छी लगती है, जैसे ये पकौड़ों की चटनी भी कहलाती है। और इसको बहुत सारी चीज़ों में अगर आप मिला के खाते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट टेस्ट मिलता है। वो चाट वाला टेस्ट होता है ना, वो मिलता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि जब चाट सर्व करी जाती है तो दोनों तीनों चटनियों के बीच में ये वाली चटनी भी ऐड करी जाती है। तो चलिए किस तरीके से चटनी बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सत्यभामा जी का। सत्यभामा जी, फर्स्ट इंडिया प्लस द वर्तिका शो में स्वागत है आपका। कच्ची इमली की चटनी बना रही हैं आप। कच्ची इमली की चटनी यानी कि जैसे इमली के पेस्ट से बनाएंगे हम इसको। इसमें जैसे इमली की चटनी होती है उसमें खजूर वगैरह डाल के हम उसको उबालते हैं, करते हैं, पकाई जाती है। ये हम तुरंत जैसे समोसे के साथ वगैरह इसमें बहुत सर हाँ बहुत अच्छी लगती है ये। और आप कहीं भी जैसे बाहर कहीं जा रहे हैं तो इसका पेस्ट बना के ले जाइए। बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके पास एक सूखा मसाले की तरह उसको मिला के रख लीजिए, जब जी चाहे तब आप इसको बना के खाइए। क्या बात है, तो एक बहुत ही अच्छी सी चटनी। चलिए इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे रेडी हैं, शुरू करते हैं। और जो शुरू करने का जो प्रोसेस है उसमें ये था कि जो इमली आती है उसको हमने सत्यभामा जी ने पूरी रात उसको भिगोया और उसका एक हमने बीज निकाल दिया और उसका मतलब पेस्ट बना लिया। ठीक है, तो ये जो पेस्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रेडी है। सिर्फ मिक्सी में पीसिएगा और उसको छान लीजिएगा, बीज निकाल लीजिएगा पहले से ही। ठीक है, अब हम ये इसकी चटनी बनाते हैं। तो ये हमने पेस्ट है जो इसका, ये पेस्ट हमने ले लिया है। इसमें हम एक प्याज बारीक काट के डालेंगे, 15-20 पुदीने के पत्ते हैं जिनको ताज़ा मिलते हैं तो ठीक। मैंने पुदीने का पाउडर लिया है थोड़ा सा, एक चम्मच। 2-3 हरी मिर्ची हैं बारीक कटी हुई। ये सादा नमक है, इसमें काले नमक का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ी सी काली मिर्ची है, ये जलजीरा पाउडर है, ये चाट मसाला है, ये भुना हुआ जीरा है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है थोड़ी सी, इससे इसका रंग बहुत ही सुंदर हो जाएगा। और ये लाल मिर्च जो हमें कुटी लाल मिर्च होती है, थोड़ा सा तीखापन उसका देने के लिए। ये 2 लौंग को तवे पर पीस के और उसका पाउडर बना के मैंने ये बारीक करके ये डाला है। और अब इसमें एक बड़ा बहुत सारा धनिया, अब इसको आप मिलाइए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितनी बढ़िया चटनी तैयार हो गई है। यदि हमें ये गाढ़ी लगती है थोड़ी सी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें यदि आपको थोड़ा सा ट्विस्ट देना है तो हल्का सा इसमें बाइट में पीसी चीनी का 1/2 चम्मच जितना, तो ये थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा इसका पीसी हुई चीनी मिला देने से। आपके पास गुड़ हो तो अवेलेबल तो गुड़ भी मिला सकते हैं। वैसे ये तुरंत इंस्टेंट बनने वाली ये चटनी है, तो ये तैयार है हमारी समोसे पकोड़े के साथ खाने वाली चटनी। तो देखा जो इसका बेस है बेसिकली वो एक महीने तक ख़राब नहीं होता है। अब उस बेस को बनाने के बाद आप, क्योंकि इसमें प्याज है, हरा धनिया है, उसको आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं क्योंकि इन चीज़ों से ख़राब हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब वो जो बेस हमने तैयार करके रख लिया, उस बेस में जैसे अगर आपका मन कर रहा है कि प्याज नहीं मिलाना तो आप प्याज मत मिलाइए, लेकिन बाकी के सूखे मसाले जैसे इसमें पुदीना है, जलजीरा मसाला है, चाट मसाला हमने इसमें ऐड किया है, और इवन जो इसमें एक लौंग का टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो जलजीरा, चाट मसाला, काला नमक, भुना पिसा जीरा, पुदीना पाउडर, ये सारी चीज़ें मिलके इसको एक इतना अच्छा टेस्ट देती हैं। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है पिसी हुई चीनी का, इसकी जगह आजकल जैगरी पाउडर, गुड़ का पाउडर इजीली अवेलेबल
अवेलेबल है, गुड़ मिला लीजिए इसमें और अपने अकॉर्डिंग जैसे आप थिक चाह रहे हैं थिक रख लीजिए, थोड़ा सा पानी मिलाना चाहते हैं पानी मिला लीजिए। हमने इसमें फ्रेश कोरिएंडर डाला है और थोड़े से खूबसूरत से कलर के लिए हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च के साथ थोड़ी सी मोटी मोटी लाल मिर्च भी डाली है, काली मिर्च भी डाली है। तो कुल मिला के तीखा है, मीठा है और अच्छा सा जो टेस्ट इमली का होता है खट्टा खट्टा वाला, और उसको टेस्टी बनाया है सारे मसालों ने। जो मसालों की लिस्ट है वो मैं आपको नीचे कैप्शन बॉक्स है उसमें दे दूंगी, तो उसी का अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा और ये चटनी ज़रूर ज़रूर से ट्राई करिएगा। चलिए ठीक है, आइए मैं देखती हूँ इसका जायका कैसा लग रहा है। तो सत्य भामा जी जिस ढंग से इसमें मसाले डाल रही हैं, इतने अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे, वो मसाले इसमें ऐड कर रही हैं, उसको मिक्स करती जा रही है और यहाँ पे इतना अच्छा अरोमा आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो मसाले इसमें ऐड हो रहे हैं तो भाई उसके साथ तो ये चटनी शानदार बनने वाली है। तो वर्तिका जी ये हमारी चटनी तैयार है। इसके अंदर जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे चाट के मसाले हैं, इनको मिलाकर ही सब कैसे भी बना आप देखो, ये चाट के अंदर यही सब मसाले मिलाए जाते हैं और ये हमने सारे इंग्रेडिएंट्स लगभग करीब करीब सारे ही हैं इसके अंदर जी। तो ये बहुत ही अच्छी, और साथ में इमली का पेस्ट है, प्याज है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनके तैयार है। आप चाहें तो इसमें कभी कभी थोड़ी सी किशमिश, कभी आपको लगे तो थोड़ा सा केला काट के, अच्छा। या कहीं आपको मिल जाते हैं तो खजूर वगैरह काट के भी आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा और इनोवेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखिए, मेरे हाथ में ये बोल है, यकीन मानिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और जब मैं इसके टेस्ट को फील कर रही हूँ ना तो इसका टेस्ट ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरा मुँह ही खट्टा हो गया और मीठा सा हो गया है। तो चलिए थोड़ा सा इसको मैं अभी ऐसे ही टेस्ट करती हूँ। किशमिश अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो बहुत अच्छी लगेगी। छोटा सा प्याज का जो पीस है वो मेरे मुंह में आया, मतलब मैं सोच रही थी कितनी अनयूजबल चीज़ है, प्याज है इसमें, धनिया है, मतलब बहुत अच्छी बनी है। तो ज़रूर से इसको ट्राई करके रखिएगा, जब भी कुछ चाट बना रहे हैं तो इसको ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा।